हांगकांग के राजनीतिक सदन में चीन कम्युनिस्ट पार्टी और हांगकांग लॉ मेकर्स का मनमुटाव कैसे मारपीट में तब्दील हो गया, इसको तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। जिन पर चीन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हमला कर रहे हैं वो हांगकांग विधायिका में हाउस कमेटी के पूर्व चेयरमैन डेनिस वोक हैं। हांगकांग विधायिका के इस झगड़े की शुरुआत पुरानी है। दरअसल चीन कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों का डेनिस वोक पर आरोप है कि उन्होंने नए अध्यक्ष और अन्य परिषद के चुनाव में देरी की। वहीं हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लाम ने भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तर्ज पर डेनिस वोक पर हमला करना शुरू कर दिया। बता दें कि विधान परिषद के अध्यक्ष एंड्रयू लेयोंग ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि उन्हें कानूनी सुझाव दिया गया है कि डेनिस वोक से छुटकारा पाने और उन्हें चीन के साथ बदलने के लिए चुनाव किया जा सकता है। विधान परिषद को चलाने के इस दृष्टिकोण की आलोचना सदन के सभी विधायकों ने की और एक हफ्ते पुराने इस झगड़े के बाद अब मारपीट की स्थिति आ गई। बता दें कि कोरोना काल से पहले भी हांगकांग और चीन में तनाव की स्थितियां बनती रही हैं। ऐसा नहीं है कि हांगकांग विधायिका में ऐसी झड़पें कोई नई बात है। इससे पहले भी बीजिंग लॉयलिस्ट पार्टी के विधायक स्टार ली को विधान परिषद काउंसिल स्टाफ के लोगों ने बचाया था, जब स्टार ली की नोकझोंक डेनिस वोक के साथ एक मीटिंग के दौरान हुई थी।